खुद ही फिनिश हो जाएंगे। आईएनडी गेटिंग एलिमिनेटेड, टीम तमिलनाडु यहां से बाहर हो जाएगी। सेल्स के रॉक स्पॉट आउट करते हैं टीएसएम के प्लेयर्स को, शॉट फायर करके दो प्लेयर्स को नॉकडाउन कर दिया है। एक नियो नॉकडाउन हुए थे, जी गॉड भी वहां पे नॉकडाउन हो जाते हैं प्ले जोन से। और अब देखना होगा कि सेल्स का स्क्वाड, इनके पास भी अपने सारे प्लेयर्स जिंदा हैं, कैन दे कैपिटलाइज ऑन द फैक्ट कि फोर मैन टीम है प्लस जोन वीएसजी क्रॉलर से हटके अब सेल्स के ऊपर आ चुका है। वो टीम जिनके पास एक काफी अच्छा हाईग्राउंड एडवांटेज रहेगा इन पूरी फाइट्स की सिचुएशन में। एंड वी आर डाउन टू द सिक्स टीम्स, 15 प्लेयर्स अलाइव, अकेले जोनाथन बचे। अगर हम इस बात का एक तरीके से नाप तोल करें वो ये है कि टीएसएम एंटिटी उनके पास स्किल्स अच्छे हैं, बट अगर यहां पर एलिमिनेट होते हैं तो वो आई थिंक शायद टॉप पोजीशन पर आ ही जाएंगे किसी भी तरीके से, लेकिन वो ऑब्वियसली ट्राई करेंगे कितना ज्यादा आगे जा सके। प्लेज ऑन टीम हाइप के आईजीएल को लेकर जाता है, उसके साथ टीम हाइप का भी एलिमिनेशन होता है। पांच टीमें बचती हैं, 14 अपने पास यहां पर जीवित रहेंगे और पीछे रिवाइवल चाहिए था बट नहीं, ऑब्वियसली वहां पर फिनिश हो जाएंगे सेल्स के प्लेयर्स के द्वारा। अल्ट्रॉन के पास दो किल्स है अभी के लिए, उनका वेस्ट काफी ज्यादा डैमेज हो चुका है बट हेलमेट पूरा पूरा सिक्योर्ड है। आगे की तरफ की फाइट लेते हुए एंड डेड आइज गाइस के प्लेयर्स फाइट ले चुके हैं। टीएसएम एंटिटी के जोनाथन भी आते हुए आगे, मार्कोस गेमिंग का एलिमिनेशन पांचवें पायदान पर होता हुआ। चार टीम्स बचती हैं, 11 लोग जीवित। रेड आइज गाइस के वाडू सर को पिक ऑफ किया जाएगा बीएसजी क्रॉलर्स के सीजी के द्वारा। जो टीम पहले बहुत बैक एंड पर थी वो टीम अब फ्रंट असॉल्टिंग पर आ चुकी है एंड जो नॉक्स थे उनको किल में तब्दील किया जाएगा। डेफिनेटली काफी अच्छी पोजीशन होगी डेड आइज के लिए, बट ये चीज इनको कंसिस्टेंटली करनी पड़ेगी अगर इनको फाइनल्स के स्टेज तक यहाँ पे पहुंचना है। शिफू सर एक बहुत मुश्किल सिचुएशन में हो सकता है क्योंकि सेल्स के प्लेयर्स अब एक एक करके इनके ऊपर चार्ज इन कर रहे हैं। इनकी टीम जो है वो भी इनके आसपास ही मौजूद है, बट उनको एक फ्लैंकिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी पड़ेगी ताकि शिफू सर को वो थोड़ा सा सपोर्ट दे पाए। एक नेड आता हुआ आतंकी की तरफ, थोड़ा सा शॉट होगा तो आतंकी को उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, बट जैसा मैं कह रहा था एक एक करके प्लेयर्स को इस स्नाइपर टावर के अंदर घुसना होगा या तो फिर इसे नेड या फिर मॉलोटोव करना होगा ताकि फ्लश आउट कर सके। बट चीफ सर यहां पे दो प्लेयर्स को नॉकआउट करते हुए सेल्स की तरफ से, आतंकी द लास्ट मैन सर्वाइविंग फॉर हिज टीम, नॉक निकालेंगे। बट बाकी की जो डेड आए गाय की टीम है वो अपने टीममेट को बैकअप देने आ चुकी है। अब काफी बेहतरीन था अगर ये प्रॉपर एक यू नो 1v3 हो जाता तो बहुत ज्यादा यूनिक रहता, लड़ाई के लिए भी एक बहुत बड़ा मेंटल बूस्टर रहता। बट अभी के लिए ऑब्वियसली जो उनके नॉक हुए थे वो रिवाइव हो चुके हैं यहाँ पर। डेडाइस गाइस के जो प्लेयर थे इल्यूजन से उनको रिवाइव दे दिया है, सो दैट्स काइंड ऑफ गुड। शिफू सर विल बी आउट देयर एंड वो अभी ग्रेनेड ट्राई कर रहे थे, एमजी के बहुत करीब था वो ग्रेनेड। वीएसजी क्रॉलर्स का एलिमिनेशन चौथे पर होता हुआ। सेल्स, डेडाइस और टीएसएम एंटिटी के जोनाथन अभी भी बचे हुए हैं इन सब फाइट्स के अंदर बरकरार। सेल्स और डेड आइज के प्लेयर्स एक दूसरे के साथ जूझते हुए और जोनाथन शायद वहां से पूरा फायदा अपने लिए लेकर जाना चाहेंगे। अगर ये गेम जोनाथन निकाल जाते हैं आई थिंक ही विल बी द गॉड टियर प्लेयर जो कि यहां पर वो कर जाएंगे, बिकॉज तीन प्लेयर्स इधर हैं, तीन प्लेयर्स उधर हैं, एक अकेला प्लेयर पूरा अपनी एक अपॉर्चुनिटी लेने को तैयार है। डेडाइस के प्लेयर्स अभी सर्कल के बाहर थे बट सर्कल में पहुंच चुके हैं। इल्यूजन सर, जोनाथन को आई डोंट थिंक सो अभी तक किसी ने स्पॉट किया है, लेकिन इसके बाद शायद स्पॉटिंग हो जाए। जोनाथन सर्कल में जाने का ट्राई करना चाहेंगे, डेडाइस के पास सर्कल नहीं रहने वाला है ज्यादा। सेल्स के पास सर्कल का एक एरिया है, अल्ट्रॉन ने अभी के लिए अपने यू नो क्लोथ्स को ऑब्वियसली अपने आउटफिट को वहां पर उतार दिया ताकि इस घास के अंदर आराम से ले पाए, लेकिन वहां पर इल्यूजन सर का बेहतरीन ग्रेनेड आता हुआ अल्ट्रॉन को लेकर जाते हुए अब सर एक मोलोटॉव करके एक ओपनिंग बनाना चाहेंगे अपने ताकि वो और आगे जा सके। दोनों साइड मोलोटॉव किया जा चुका है, अब अगर डेड आइज रश कर देती है काफी ज्यादा फायदेमंद रह सकता है उनके लिए रश, बट अभी भी वो रुके हुए एक, 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 एक तरीके से नो, बट अब रश कर चुके हैं। स्टार्टिंग में राइट टीवी भी देखेंगे यहां पर सेल्स के प्लेयर्स एंड आतंकी के हाथ पर पूरा कर्जों पर पूरा भार आ जाता है, लेकिन वो संभाल नहीं पाएंगे और नॉक्स एंड फिनिशेस का पूरा सिलसिला शुरू हो जाएगा। सेल्स के आखिरी प्लेयर थे 1 HP थे अभी के लिए अपनी फर्स्ट एड लगा चुके हैं, रिवाइव भी दे रहे हैं, पर धीरे धीरे जो नॉक है वो फिनिश किए जाएंगे एंड अब आगे मूवमेंट शुरू हो चुकी है। सेल्स के अल्ट्रॉन ने एक प्लेयर को नॉक किया था बट इस फाइट के अंदर सेल्स का खात्मा हो जाएगा। इट इज जोनाथन टाइम, एक प्लेयर बचा है, अगर जोनाथन आ जाते और वो आ चुके हैं, किल फीड काफी अच्छे तरीके से रीड कर चुके हैं टीएसएमटी जोनाथन, उनको पता है कि उनके आगे दो प्लेयर्स नॉक्ड है, एक ही प्लेयर बचता है बिकॉज उनको अलाइव काउंटर पता है कि चार अलाइव तो उसमें से एक ही आदमी है और 1v1 की फाइट जोनाथन के लिए कोई भी यहां पर दिक्कत वाली बात नहीं होने वाली है। एंड अब फाइनल फाइट आ चुकी है, जोनाथन विल बी टेकिंग इट। बहुत बेहतरीन प्लेयर, गॉडली गेम प्ले अगर बोलूं तो वो भी यू नो He was on a rampage. Definitely, काफी एक अच्छा परफॉर्मेंस आता हुआ जोनाथन की तरफ से। और एक और फैक्ट ये भी कंसिडर करना होगा हमें कि उनके बाकी जो टीममेट्स थे वो उस फाइनल फाइट से काफी